सी बहुत खुशी होती है, बहुत कम होता है बॉम्बे में इस टाइप से सेलिब्रेशन, तो बहुत अच्छा लगता है जब नॉर्मली ये सब चीज़ें हम दिल्ली में नवरात्रों में उस तरीके से देखी जाती थी, और यहाँ दादा हम काफ़ी आई थिंक 5 सालों से आ रहे हैं, 5 साल से आ रहे हैं और 25 साल से ये चीज़ चल रही है, तो बहुत मैं चाहूँगा कि ये ज़िंदगी भर दादा करते रहे। बहुत अच्छा एक पुण्य का काम है जिसमें सब लोग साथ में आते हैं, उनको लंगर खाने को मिलता है और बहुत बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। बहुत बहुत मुबारक दादा को, पूरी फैमिली को, सबको ब्लेसिंग्स मिले सरस्वती माता की, और ये सब चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव हों। मैडम सरस्वती माँ यू नो टैलेंट देती है, क्रिएटिविटी देती है, तो वो तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो बहुत आशीर्वाद मिलता है उनका ताकि क्रिएटिविटी इन्हांस हो और अच्छा काम कर सके। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा ओकेजन है, और दादा खुद अपने हाथों से खाना बना रहे हैं जो हमने खाया, और आपने मुझे खीर भी खिलाई, उनकी चटनी बहुत अच्छी है, जो चटनी बहुत अच्छी बनाते हैं। आप बताइए प्रसाद आपको कैसा लगा? बहुत टेस्टी लगा, बहुत नाइस था, और बहुत अच्छा मन से प्यार से बनाया हुआ खाना हमेशा अच्छा ही होता, तो बहुत बहुत स्वादिष्ट था। ऐसी कोई मन्नत होती है सरस्वती जी से? सीक्रेट, जैसे दिव्या ने भी बताया कि क्रिएटिविटी की गॉडेसेस हैं वो, तो ऑब्वियसली सबको उनकी ब्लेसिंग मिलनी चाहिए जो भी क्रिएटिव जन है, और हम लोग क्रिएटिविटी और उस टाइप की दुनिया में काम करते हैं, तो हमेशा सरस्वती माता की ब्लेसिंग तो रहनी ही चाहिए, और हम होप करते हैं कि हमारे ऊपर सदा उनकी ब्लेसिंग बनी रहे। जी मैंने कोई मन्नत तो नहीं मांगी, मैं सिर्फ मतलब हाथ जोड़ देती, मन्नत ऐसे नहीं मांगती, बट ऑफकोर्स मतलब हमेशा हमारे साथ रहे सरस्वती माँ, और हमें ब्लेस करते रहे, वो तो होता ही, और हम सबको ब्लेस करते रहे ताकि हम और ग्रो।
बहुत अच्छी फीलिंग है डेफिनेटली, बिकॉज हर साल हम यहाँ पे आते हैं सो बहुत अच्छा लगता है, यू नो इट्स वेरी पॉजिटिव, वेरी वाइब्रेंट, इतना बंगाली जैसा माहौल लगता है बॉम्बे में होते हैं तो इतना वो होता नहीं है, सो डेफिनेटली दे आर ऑल्सो बंगाली तो वो एक कनेक्शन बन जाती है एंड देन बंगाली बहुत सारे फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं, सो इट्स लाइक एक अड्डा बन जाता है हम सबका। मॉम आप कुछ कहना चाहेंगे सरस्वती पूजा के मौके पर हम सभी यहाँ पर? कहना चाहूँगी बहुत अच्छा लग रहा है, लगता ही नहीं कि हम लोग कलकत्ते से बाहर है, घर से बाहर है, इधर आके लग रहा है हम लोग कलकत्ते अपने घर पे ही है। आप कुछ कहोगे? एक्चुअली मैं हर साल सोचती हूँ कि आऊँगी पर इस बार टीना ने मुझे बोला कि चलो साथ में चलते हैं, तो इस बार पहली बार बॉम्बे में मैं सरस्वती पूजा में आई, सो आई एम फीलिंग रियली गुड, रियली ग्रेट, बहुत अमेजिंग फीलिंग है, जैसे उसने बोला कि बॉम्बे में रहते हुए भी अपनों के बीच में, तो अच्छा फीलिंग है। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, हाँ आपके साथ देखो, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, दादा प्लीज कम, ओके रितु जी, सरस्वती पूजा बहुत ही पावन फीलिंग है और बहुत ही अच्छा दिन है, और ये इतने सालों में पहली बार हो रहा है कि मैं दादा की पूजा पे आ पाया हूँ, पिछले एक दो साल से मैं नहीं आ पा रहा था फॉर सम रीजन, बट इस बार मैंने कहा कि नहीं, आई हैव टू बी हियर। प्रसाद लिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खीर बहुत कमाल है, बहुत ही कमाल है खीर जी। अब मेरी तो हर पल एक ही मन्नत रहती है, मतलब मेरे आसपास खुशियाँ रहें, सब कुछ कुशल मंगल रहे और सब कुछ अच्छा रहे, और सब कुछ बस मुझे राह दिखती चली जाए और मैं उस राह पे चलता चला जाऊं, बस भगवान मेरे सामने वो रास्ता खोल दे, बस दैट्स दैट्स अबाउट इट। फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है, फेस्टिवल सीजन पे आप ब्यूटीफुल अटायर में यहां पे प्रेजेंट हैं, थोड़ा आप हमें जरा बताइए। सर मैं ये अटायर तो ऐसे ही, मतलब पूजा है तो आग है, अटायर के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं, बट उससे ज़्यादा बड़ी बात ये पूजा है, ये सरस्वती पूजा, तो जिन जिन लोगों को जो लोग ये पूजा यहाँ पर अटेंड नहीं कर पा रहे अपने अपने घर पे, आप अपनी अपनी सरस्वती पूजा ज़रूर मनाएं और इस पावन अवसर का बहुत लुत्फ उठाएं अपने पूरे परिवार के साथ। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।
मौके पर यानी कि सरस्वती पूजा के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप बताइए क्या कुछ फीलिंग है आपकी? फीलिंग तो अच्छा ही है, पेट भर के खाना खा लिया है तो और भी अच्छा फीलिंग है। मैं कोशिश करती हूँ हर साल आने का, और बंगालियों में सरस्वती पूजा हम बचपन से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, येल्लो पहनते हैं, उस दिन पढ़ाई नहीं होती है क्योंकि बुक सब माँ के पास जमा रहता है, तो हाँ तो बचपन में तो बहुत ही अच्छा लगता था। और बॉम्बे में आकर अभी होता नहीं है, सिर्फ दादा करते हर साल पर सब पहुँच जाते हैं, और कहीं पर भी शूट कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो एक दिन है जो हम कोशिश करते हैं कि बॉम्बे में रहे और आके ऐसे एक साथ सेलिब्रेट करें। और क्या क्या खाया आपने? सब खाया, खिचड़ी लाबरा बोलते हैं वो जो मिक्स वेजिटेबल, नहीं नहीं मिक्स वेजिटेबल होता है उसको लाबरा बोलते हैं, तो वो चार बेगुनी खाया और एक बहुत सारा चटनी खाया और पायस भी खाया, पायस होता है जो खीर खीर होता है। अच्छा ओके, दादा का ये 25th ईयर था। ओह रियली, ओह आई डिडंट नो दैट। ओके कुछ विश करना चाहेंगे आप? अरे बिल्कुल, हर साल करते रहो और भी अच्छे से और लोग आए, और आई थिंक हेल्थ और हैप्पीनेस और हर साल और भी तरक्की होते रहे, और आई थिंक सरस्वती माँ नॉलेज की देती है और उनका आशीर्वाद हम पे बना रहना चाहिए हम आर्टिस्ट पे, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आई वुड विश यू ऑल द लक एंड या सर आई एम लाइक सो ज़ोन्ड आउट राइट उन्होंने डिजाइन किया है ये साड़ी और ब्लाउज, और ये आम्रपाली है, ये आम्रपाली है, हाँ मेरे बाल अभी भी गीले हैं, हाँ it's nice to wear yellow. You should also wear yellow next time. Okay. याद रखना. याद रखेंगे. Thank you. Thank you so much. बसंत पंचमी है ना आज, तो बसंत का कलर येलो होता है, तो इसलिए. Thank you. ये आप ले लीजिए, उसके बाद shorts ले लीजिए. आपका पर्स. Shorts क्या? Shorts. नहीं. यहाँ पे? नींद आ रही है आपको? बहुत गाड़ी नहीं, मैं फोन ड्राइव कर रही हूँ, बार बार किया है, मेरे फोन में चीज़ हो गई।